देखिए अब तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम लोग बिजनेस लॉ का पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है आपका द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों, इस चैप्टर का नाम क्या है, देखिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब इस चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ना है बताइए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्ट। एक्ट मतलब होता है कानून। इस चैप्टर में आपको कॉन्ट्रैक्ट का लॉ पढ़ना है। किसका लॉ पढ़ना है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट। किसका लॉ पढ़ना है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट। किसका लॉ पढ़ना है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट। इस चैप्टर में आपको कॉन्ट्रैक्ट का लॉ पढ़ना है जो कि कौन से ईयर में आया था बताइए? 1872। कब आया था बताइए? 1872। ये जो लॉ है ना बाबू, ये 25 अप्रैल को पास हो गया था। 25 अप्रैल को पास हो गया था। बट ये लॉ चालू कब से हुआ था? तो ये लॉ पूरा इंडिया में चालू हुआ था 1 सितंबर 1872। याद रखिए, ये सब बुक में लिखा हुआ मेरा। जल्दी बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस चीज का लॉ के बारे में पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। किसका लॉ बताइए? कॉन्ट्रैक्ट। किसका लॉ बताइए? कॉन्ट्रैक्ट। एमसीक्यू है तो खाली बोल बोल के याद आएगा। तो इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ोगे बताओ? कॉन्ट्रैक्ट। और ये कानून कौन सा ईयर में आया था बोलो? 1872। दो क्वेश्चन, कौन सा डेट में पास हुआ था बताइए? 25 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 25 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 25 अप्रैल। और कौन सा डेट से चालू हुआ था? 1 सितंबर 1872। दो से तीन बार तो यही क्वेश्चन आ गया सीयू में, ऑन विच डेट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा डेट से चालू हुआ था इंडिया में बताइए? 1 सितंबर 1872। 1872 मतलब समझ रहे हो आप, हम लोग आज़ाद कब हुए थे बताइए? 1947। और ये लॉ कब का है बताइए? 1872। मतलब माय डियर स्टूडेंट, आज़ादी से पहले का लॉ है, अंग्रेज लोग का बनाया लॉ है गाइस, अंग्रेज लोग बनाया था। लेकिन सुन के सोच के देखिए, ये इतना खूबसूरत लॉ है माय डियर स्टूडेंट कि अंग्रेज लोग का बनाया हुआ लॉ है, लेकिन आज तक हम लोग 2023 में भी इसको हम लोग पढ़ रहे। और वेरी लिटिल अमेंडमेंट्स, इस लॉ में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं हुआ, बहुत कम चेंजेस होता है। इतना सुंदर लॉ बनाया है कि अपने आप में ही परफेक्ट लॉ है। अब सोचिए ना, 1872 का लॉ अभी तक हम लोग देश में चालू है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। क्यों? कुछ तो बात होगा इस लॉ में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। पूरा पूरी 30 मार्क्स आपका कवर होगा इससे। सोचिए ना, 5 मार्क्स तो यहीं से उठा लेगा बच्चा, लेकिन चैप्टर भी बड़ा है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। बात समझे? तो समझ गए, पहले इंट्रोडक्शन बताइए। पहला बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस चीज के बारे में पढ़ोगे आप? सुनाई नहीं दे रहा बाबू, बोलो ना। यस, एनर्जी को बैक करिए, खो गए थे कहीं आप लोग। उसके बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा डेट में आया था? 25 अप्रैल। पास कब से हो गया था? 25 अप्रैल। बट कब से चालू हुआ? 1 सितंबर। कब से चालू हुआ? चालू कब से हुआ? 1 सितंबर कि 25 अप्रैल? 1 सितंबर। 1 सितंबर से चालू हुआ। थ्योरी सब्जेक्ट आपका ज़्यादा है सेमेस्टर वन में, 1 सितंबर से चालू हुआ। और उस टाइम ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, मतलब जब इंडिया में पहले ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता। 2019 के बाद से इंडिया का हर एक लॉ 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिमूव किया गया। आर्टिकल 370 एक ऐसा प्रोविज़न था, एक ऐसा कानून था जिसके तहत कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला था। कश्मीर के लोगों को बहुत सारा सुविधा मिला था, बहुत सारा बेनिफिट मिला था। सब बेनिफिट छीन लिए, सब बेनिफिट जो था मोदी जी छीन लिए, बोले नहीं ये सब नहीं चलेगा। 5 अगस्त 2019 का बताइए, 5 अगस्त 2019 को इंडिया में, इंडिया ये गवर्नमेंट का लिया गया वन ऑफ द बेस्ट स्टेप है जिसको पूरा इंडिया के लोग पसंद किए। क्योंकि जब आप खुद सोचो ना, जैसे देखो आप लोग बिहार, कोई बिहार के हो, कोई बंगाल के हो, कोई राजस्थान से गुजरात के हो, जैसे हम लोग बिहारी है, बंगाल में पढ़ा रहे ना, और बंगाल में पढ़ाई कर रहे, कहीं ऐसा फील हो रही होगा कि हम लोग दूसरा देश से आए हैं, हम लोग भी इंडिया के ही। तो लेकिन क्या होता ना, जब तक 2019 तक, जब तक ये आर्टिकल 370 पास नहीं हुआ था, तब तक जम्मू कश्मीर में ना हम लोग को बहुत अजीब नज़र से देखता था, घृणा का नज़र से देखता था। ये बेटा बिहारी है, ये बेटा बंगाली है, ये बेटा गुजराती है, ये बेटा राजस्थानी है। वो लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही पसंद करते थे, जम्मू कश्मीर के जो लोग थे। और वहाँ पर एक तो सबसे गंदा वाला नियम क्या था, आप सोचिए, जैसे हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बिहारी है, बंगाली है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या बताइए? इंडियन है, हम लोग का देश एक है, हम लोग का झंडा एक है, तिरंगा है हम लोग का देश का झंडा है। बात समझे ना, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वी आर इंडियन, वी आर प्राउड इंडियन। लेकिन वहाँ के लोग ऐसे नहीं होते थे। वहाँ पर क्या हो जाता था सीन, वहाँ पे सीन ऐसा हो जाता था कि आपका जम्मू कश्मीर में सीन कुछ ऐसा बन जाता था कि वहाँ का झंडा अलग था, इंडिया का झंडा अलग बना के रखता था। और वहाँ का जो आदमी लोग था ना, वो लोग मतलब इंडिया का प्रधानमंत्री, ये लोग को, वो लोग को उतना इज्जत भी नहीं देता था। तो ये सब चीज़ ना, थोड़ा वो लोग को स्पेशल स्टेटस मिला था। और सबसे जो गंदा नियम था जम्मू कश्मीर में ये था कि जैसे मान लीजिए रौनक बंगाल में रहता है, रौनक जम्मू कश्मीर में गया और वहाँ का किसी लड़की से उसको मोहब्बत हो गया,
तो ये जम्मू कश्मीर का लड़की से शादी करने मांग रहा, तो जम्मू कश्मीर का लड़की अगर इससे शादी करती तो उस लड़की का जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप खत्म हो जाता, जम्मू कश्मीर में जो भी उसका अधिकार था वो सब खत्म हो जाता। लेकिन वही लड़की अगर पाकिस्तान का कोई लड़का से शादी करती तो लड़का को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता। तो ये जो गंदा गंदा नियम था ये सब नियम को हटा दिया। कौन इंडिया का लड़का, लोग को बुरा लग जाता था, बोले ये सब क्या हो रहा। हाँ तो वो उसका अलग 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 स्टेटस था, वहाँ का अलग सीन है, इसका अलग सीन था, जब बात समझे ना। तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता था, तो वहाँ का आदमी लोग को हर्ट हो गया। आप लोग जैसे यंग लड़का लोग को बुरा लगे, भाई सब क्या हो रहा, मोदी जी चेंज करिए नियम को। तो मोदी जी 5 अगस्त 2019 को हटा दी। और 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट का सबसे बोल्ड स्टेप यही है, आज तक का गवर्नमेंट का सबसे बोल्ड मतलब सबसे हिम्मत वाला स्टेप यही, क्योंकि किसी भी स्टेट से उसका स्पेशल राइट्स छीनिएगा ना तो वहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत होता है। बट इतना स्ट्रेटेजिकली गवर्नमेंट किया कि वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट होने ही नहीं दिया। गवर्नमेंट इतना प्रोटेस्ट करने वाला किया होगा, लेकिन आर्मी वाला लोग जानते ही है, खेला कर दिया सबका साथ। बस आर्मी वाला जहाँ पे है तो लोग से बड़ा तो कोई सियाना नहीं है, आर्मी वाला लोग सबका घर का बाहर में खड़ा हो गया, तो निकलोगे बेटा मार देंगे घर के अंदर हो। और ये नियम को हटा दिया। और 5 अगस्त 2019 के बाद से, सुन लीजिए, 5 अगस्त 2019 के बाद से इंडिया का हर एक कानून जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है। मेरा कोचिंग का जो बुक है ना कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो पुराना बुक है, मतलब जो हम लोग पहले बनाए थे वही बुक अभी तक चल रहा है, तो बुक में कोई चेंज नहीं किया। तो बुक जब आपको मिलेगा देखोगे उसमें अभी भी लिखा हुआ है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता है पहले वाला लॉ, लेकिन हम लोग उसको चेंज नहीं की बुक में। लेकिन अब जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और कितना प्राउड होता है पढ़ाने में, बहुत गर्व होता है। आज से 3 साल पहले जब पढ़ाते थे बच्चे लोग को लॉ, तो उसमें पढ़ाना पड़ता था एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो हर बच्चा पूछ देता था क्यों इंडिया में है जम्मू कश्मीर, फिर भी हम लोग को ये पढ़ाना पड़ता था कि जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता। और अब कितना गर्व से आपको पढ़ाते हैं कि इंडिया का जो भी कानून है वो पूरा इंडिया में एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसीलिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्या होगा आंसर बताइए, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बस समझे ना, एक्सक्लूडिंग वाला बात पुराना बात था, अब नहीं, अब इंडिया में जम्मू कश्मीर भी हम लोग का था, हम लोग का है, हम लोग का रहेगा। ये बात को उन्होंने कहा। और अब इंडिया का सारा लॉ जो है बाबू जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। जल्दी बताइए 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया, कितना क्वेश्चन निकल के आया बताओ, बोलो ना प्लीज बोलो। पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया था, ईयर पहले बोलिए, 1872, बोलो ना 1872। उसका नाम के साथ ही ईयर चिपका हुआ, देखिए नाम के साथ ईयर, लॉ में ऐसे ही होता है, नाम के साथ उसका क्या चिपका रहता है, ईयर। बस समझे ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया था, 1872। कौन सा डेट में पास हुआ था, 25 अप्रैल। कौन सा डेट से चालू हुआ था, 1 सितंबर। ये सब क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, इसको मजाक में मत लीजिए, स्टार्ट हो गया पढ़ाई आपका यहाँ से। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो क्या जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है, बताइए। बोलिए आप कौन सा क्लास, 11? अच्छा 2 मिनट उनकी क्लास करा जाते हैं, ठीक है थोड़ा वेट करिए, गिर बंद कर दी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कहाँ अप्लाई होता है बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब सवाल यही है, पहला सवाल यही है माय डियर स्टूडेंट कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। यहाँ से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, आज तो फर्स्ट क्लास था इसलिए ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हम लोग, तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पूरा आपको आज पढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जानने से पहले पहला शब्द है प्रपोजल, इसका मीनिंग आपको जानना होगा। What is the meaning of the word proposal? Proposal मतलब क्या होता है? ये लॉ आपको CA CS CMA जो भी करिएगा आपको हेल्प करेगा, कोई भी कॉमर्स रिलेटेड बड़ा पढ़ाई करिएगा ना ये हेल्प करेगा। प्रपोजल मतलब क्या होता है, प्रपोज करना क्या समझते हो, प्रपोज करना तो आप जानते ही होंगे, प्रपोज करने का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग या तो प्रपोज किए होंगे या तो आप लोग को कोई प्रपोज किया होगा, तो ये सब उम्र में ये सब स्वाभाविक है। तो what is the meaning of the word proposal, जल्दी बताइए प्रपोजल मतलब क्या होता है। सुनिए, तो लॉ के लैंग्वेज में प्रपोजल का सिंपल मीनिंग हो गया बाबू ऑफर। ऑफर का मतलब क्या हुआ, जब एक इंसान दूसरा इंसान के सामने कोई भी चीज़ ऑफर करता है उसका इच्छा जानने के लिए, क्या जानने के लिए, इच्छा, क्या जानने के लिए, इच्छा। अगर इंग्लिश में बोले प्रपोजल इज द सिचुएशन व्हेन वन पार्टी ऑफर समथिंग टू समवन टू नो द इंटेंशन ऑफ अदर पार्टी। जब एक आदमी दूसरा आदमी के सामने कोई भी चीज ऑफर करता है उसका क्या जानने के लिए, इच्छा, क्या जानने के लिए, इच्छा। जैसे मान लीजिए हम, मान लीजिए रौनक को प्रपोज किए, गलत मत समझो बाबू, प्रपोज मतलब सामान वाला प्रपोजल। मान लिया हम रौनक को बोले क्या आप मेरा मोबाइल खरीदिएगा, हम रौनक को बोले क्या आप मेरा मोबाइल खरीदिएगा, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रपोज, क्या कर रहे हैं बाबू, प्रपोज। हम क्या आप मार्कर खरीदिएगा, ये हो गया प्रपोज करना।
क्या आप मोबाइल खरीदिएगा, ये हो गया प्रपोज करना। जैसे आप बोले क्या आप हमको ट्यूशन पढ़ाइएगा, ये हो गया प्रपोज करना। लॉ के लैंग्वेज में आप हमको क्या कर रहे हो, प्रपोज। क्या आप हमको पढ़ाइएगा, मतलब ये आप क्या कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो। क्या कर रहे हो बाबू, प्रपोज। इसको बोलते हैं प्रपोजल। क्या बोलते हैं बाबू, प्रपोजल। प्रपोजल जब आप किसी को प्रपोजल करिएगा तो या तो वो हाँ बोलेगा या तो क्या बोलेगा, ना। अगर वो हाँ बोलता है तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, और प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है ना बाबू, तो बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है बताइए, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, प्रपोज। क्या करोगे बताओ, प्रपोज। प्रॉमिस मतलब क्या, आप लोग आज तक बचपन से क्या समझते आ रहे हो कि किसी को प्रपोज करना मतलब हाथ में गुलाब फूल चॉकलेट लेके जाएंगे, उसके सामने खड़ा हो जाएंगे, हाँ बाबू विल यू मैरी मी, ये सब निब्बा निब्बी करता है। हम लोग लॉ वाला पढ़ाई करें, लॉ वाला कौन वाला, लॉ वाला। लॉ वाला जब पढ़ाई करिएगा तो वहाँ पे वो गुलाब फूल और चॉकलेट का बात नहीं हो रहा। यहाँ पर प्रपोजल मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रपोजल एक ऐसा सिचुएशन है जब एक आदमी दूसरा आदमी के सामने जाता है, उसको क्या करता है, ऑफर। बाबू सामान लोगे, बाबू बर्तन खरीदोगे, बाबू हड़िया खरीदोगे, ये भी क्या हो गया, प्रपोज करना। क्या करना बताइए, प्रपोज। तो प्रपोजल क्या है, प्रपोजल इज द सिचुएशन व्हेन वन पार्टी ऑफर्ड समथिंग टू समवन टू नो द इंटेंशन ऑफ अदर पार्टी। जब एक आदमी दूसरा आदमी को कोई भी चीज़ ऑफर करता है, उसका क्या जानने के लिए, इंटेंशन। क्या जानने के लिए, इंटेंशन। इसको बोलते हैं प्रपोजल। क्या बोलते हैं बाबू, प्रपोजल। क्या बोलते हैं बाबू, प्रपोजल। समझे कि नहीं समझे बताइए। अच्छा प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाए तो बाबू क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू, बोलिए 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 बाबू। अभी क्लास चल रहा है, गेट खोल दिया, मानना पड़ेगा आपको, खत्म हो एकदम। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। नहीं नहीं ऐसे बंद मत करिए, उसको बोल दिया हो गया। प्रपोजल जब एक्सेप्ट जाएगा क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिस। क्या बन जाएगा बोलिए, प्रॉमिस। जैसे हम आपको बोले क्या आप मेरा घर खरीदिएगा, हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रपोज। आप बोले यस, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस। क्या कर रहे बताइए, प्रॉमिस। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन आ जाएगा, कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन क्या होता है भाई, कंसिडरेशन का मतलब लॉ का लैंग्वेज में होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है बाबू, समथिंग इन रिटर्न। लेन देन होगा, लेन देन, लेन और देन। तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा बताइए, एग्रीमेंट। जैसे आप हमको प्रपोज किए, क्या आप ट्यूशन पढ़ाइएगा, प्रपोजल। हम बोले यस, तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस। फिर लेन देन का बात हुआ कि भाई हम इतना दिन क्लास होगा, हम इतना पढ़ा क्लास करेंगे, ये फीस देंगे, ये फीस लेंगे, ये जो भी बात हुआ, लेन देन का बात हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा बाबू, एग्रीमेंट। और हर वो एग्रीमेंट जो कानून की नज़रों में सही है, उसी को लॉ में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बाबू, कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, हर वो एग्रीमेंट जो कानून की नज़रों में सही है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते, बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिए जल्दी, सबसे पहले क्या मारोगे, प्रपोजल। क्या मारोगे, प्रपोज। करने के बाद अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा बाबू, प्रॉमिस। में अगर लेन देन हो गया तो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मिक्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर कानून की नज़रों में सही है तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नज़रों में सही। तो आपसे कोई पूछेगा एग्रीमेंट क्या है, तो कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन। फिर पूछेगा प्रॉमिस क्या है, तो कोई भी ऐसा प्रपोजल जो एक्सेप्टेड है। फिर पूछेगा प्रपोजल क्या है, तो जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रपोजल। हम आपको जीरो से पढ़ा रहे हैं, हमको मतलब नहीं आपको कितना आता है, नहीं आता है, क्या आता है, नहीं आता है, मैटर नहीं करता। हम आपको जो भी चीज़ पढ़ाएंगे सिर्फ स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। जल्दी बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जल्दी बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो हम आपसे पूछते हैं बताइए, जैसे हम किसी को ऑफर किया, हम आपको ऑफर किया, क्या आप मेरा गाड़ी खरीदिएगा, ये क्या है बताइए, प्रपोजल। आप बोले यस, ये क्या बन गया, प्रॉमिस। लेन देन का बात की, हम बोले 2 लाख में गाड़ी बेचेंगे, तो हम आपको क्या देंगे, गाड़ी, और आप हमको क्या दोगे, 2 लाख। तो ये हम लोग के लिए कंसिडरेशन, लेन देन का बात हो गया, तो ये क्या बन गया बाबू, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर कानून की नज़रों में सही है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस, अब आपको एग्जांपल देते हैं ऐसा एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हम मान लीजिए रौनक को बोले कि क्या आप संतोष जी का मर्डर करिएगा, ये प्रपोजल था। रौनक बोले हाँ वाई नॉट, ये क्या हो गया, प्रॉमिस। फिर लेन देन का बात बोला, बोला भैया आपको क्या चाहिए, हम लोग कुछ नहीं, जब तुम चाकू भोगोगे, चाकू जब भोंकोगे तो आप क्या करना, पूरा हमको फोटो सेल्फी लेके भेजना। और बोला अब हमको क्या मिलेगा, हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, कितना देंगे, 1 लाख। देखिए ये एग्रीमेंट तो था लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या कानून इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या कानून की नज़रों में सही है, क्या शर्म नहीं लग रहा तुमको इसे बोलने में, छी ये क्या एग्रीमेंट तो था पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है बताइए। चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, दिस मे बी द एग्रीमेंट बट दिस आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इन द लॉ। क्यों, क्यों लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करे, कानून की नज़रों में ये गलत है।
चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, ये कानून की नजरों में क्या बाबू गलत? हाँ समझिए, देखिए आपको सुन, आप लोग का जो पढ़ाई, जैसे एडमिशन जब आप ले रहे हो, आप छः महीना का पढ़ाई है ना, बहुत बड़ा पढ़ाई है, सिलेबस बहुत बड़ा है, हर दिन पढ़ोगे ना, और हम लोग का छः दिन क्लास होगा, वीक में सिक्स डेज क्लासेस होंगे, हम लोग सिक्स डेज क्लासेस होंगे, रूटीन अभी फिक्स नहीं है, रूटीन फिक्स कर देंगे, सिक्स डेज क्लासेस माय डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हो, फिर भी हम लोग का देखोगे पढ़ाई बहुत बड़ा है, बस समझ रहे, तो पढ़ाई को एकदम अच्छे से अभी से नहीं करोगे ना तो बाद में देखोगे कंप्लीट नहीं हो पाया पढ़ाई सिलेबस, इसीलिए एकदम पढ़ाई को एकदम एक्टिवली करिए। और अच्छा, कॉपी आपको दो ही टो बनाना है बाबू, एक तो अकाउंट्स का कॉपी बनाना है और एक तो स्टैट्स का कॉपी बनाना है, समझे ना, एक तो अकाउंट्स का कॉपी बनाइएगा, एक तो किसका कॉपी बनाइएगा, स्टैट्स। अगला दिन स्टैट्स क्लास होगा, संडे को 9 बजे स्टैट्स क्लास होगा, रूटीन फिक्स कर देंगे, अभी रूटीन फिक्स नहीं किए, अभी अभी एक्चुअली क्या है, थर्ड ईयर का बैच चल रहा है ना, तो थर्ड ईयर वाला लोग जाएगा तब ना रूटीन सेट होगा, जैसे आप लोग कॉलेज में भी क्या है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट जाएगा तब ना फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहेगा, तो इस बार क्या हुआ, रिजल्ट जल्दी निकाल दिया, बात समझे, और लोग का एग्जाम अभी हुआ नहीं, तो थर्ड ईयर का आप एग्जाम होने वाला है, तो लोग जाएगा तो आप लोग आएंगे, बात समझे, तो हम लोग का संडे को जब इसके बाद का नेक्स्ट क्लास कब है, संडे को, संडे को सम्स होगा, तो कैलकुलेटर लेके आइएगा, उस दिन कैलकुलेटर नहीं भी लगेगा चलेगा, नहीं कॉपी जरूर लेके आइएगा, वो क्या लेके आइएगा, क्या लेके आएंगे, कॉपी, उस दिन स्टैट्स का फर्स्ट क्लास होगा, कॉपी अच्छे से बना, रुको अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा मान लीजिए हम राज को ऑफर करें कि आप मेरा मोबाइल खरीदेगा, हम ये क्या कर रहे हैं, प्रपोजल, राज बोले यस, ये क्या हो गया, प्रॉमिस, राज को हम मोबाइल दे देंगे, राज हमको 10,000 रुपया दे देंगे, ये क्या हो गया, कंसिडरेशन, तो ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। और अगर अच्छा ये कानून की नज़र में सही चीज़ है ना गलत चीज़, इसमें कुछ हम गलत करें क्या, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जल्दी बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा रिकैप कर रहे, जल्दी बताओ, सीरियल देखते हो ना, अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताइए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया था, कौन सा डेट में पास हुआ था, 25 अप्रैल, कौन सा डेट से चालू हुआ था, 1 सितंबर, और ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या, होता है क्या, होता है पक्का, कब, कौन से ईयर के बाद से होता है, 2019, वेरी गुड, देखिए सारा चीज़ क्वेश्चन बेस क्वेश्चन है, खाली एमसीक्यू। उसके बाद बताइए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना हो, पहले क्या मारोगे, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो, प्रॉमिस में लेन देन होगा तो, कंसिडरेशन, प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और एग्रीमेंट कानून की नज़रों में सही है तो, सही है तो, सही है तो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फिर हम लोग मिलेंगे संडे को 9 बजे आ जाइएगा, धीरे धीरे ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप लोग हाई लिख के, नाम लिख के, सेमेस्टर लिख के भेज दीजिएगा, थैंक यू।